शुक्रवार को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस दौरान एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई। मीटिंग के दौरान एस जयशंकर ने नमस्ते किया तो बिलावल ने भी हाथ जोड़े। तो वहीं बैठक खत्म होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को आतंकवाद की इंडस्ट्री का प्रमोटर और प्रवक्ता बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता उनके फॉरेन एक्सचेंज से भी नीचे गिरती जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रेस से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था। बिलावल ने आर्टिकल 370 खत्म करने के भारत के फैसले को गैर कानूनी बताया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो से मिलने के 10 मिनट बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। Of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction.